गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। पढ़ना स्टार्ट करते हैं और हम लोग मोस्ट ऑफ पार्ट इस मैग्नेट ख़त्म करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि पूरी मैग्नेट ही ख़त्म करूँ। पढ़ते हैं पूरा, वन एंड हाफ आवर्स पूरा पढ़ते हैं ना, और ख़त्म करते हैं इसको पूरा। हम लोग कहाँ पहुँच गए थे, हम पढ़ रहे थे, आज पढ़ेंगे फोर्स ऑन अ चार्ज। जो टॉपिक है आज का आपका, फोर्स ऑन अ चार्ज। जब भी चार्ज पार्टिकल आपका मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करता है तो उस पर कौन सा फोर्स लगता है, कैसे लगता है, क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते इसको। देखो बच्चे, मैं आपको पढ़ाता हूँ, समझिए आप लोग। आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल, मैं इलेक्ट्रॉन को ले लेता हूं, एंटर कर रहा है वी वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। जब ये एंटर करेगा तो इस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स अप्लाइड होगा, ठीक है। तो जो फोर्स लगता है आपका, वो बेसिकली इस चार्ज के मैग्नीट्यूड के, फोर्स की वेलोसिटी, चार्ज की वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के, चाहे तो वेक्टर फॉर्म लिख लें आप, तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू वी क्रॉस बी। सो एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन, के की वैल्यू वन ले लेंगे हम लोग इसमें, न्यूटन, ठीक है। अगर मैक्सिमम की बात करना चाहते हैं तो थीटा शुड बी कितना बेटा, 90 डिग्री। तो एफ मैक्सिमम कितना लगेगा आपका, क्यू वी बी न्यूटन, ठीक है बेटा। तो इसको आप लॉरेंज फोर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको आप किसके नाम से जानते हैं, इसको आप लॉरेंज फोर्स के नाम से भी जानते हैं। एफ मैक्सिमम यहाँ लिख दूंगा, नहीं दिख रहा आपको, तो एफ बराबर क्यू वी बी न्यूटन, ठीक है, मैक्सिमम। वेक्टर फॉर्म अगर लिखना चाहें तो एफ वेक्टर एफ बराबर होता है क्यू वी क्रॉस बी। इसको आप किसके नाम से जानते हैं बेटा, लॉरेंज फोर्स, ठीक है, लॉरेंज फोर्स के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना आप लोग इस बात का, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में काम कर, मैग्नेट फील्ड में ही काम करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी काम करता है, जिसको आप टोटल लॉरेंज फोर्स के नाम से जानते हैं। यानी वो फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में काम करता है, उसको हम लोग टोटल लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन टोटल लॉरेंज फोर्स बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो किस किस तरीके से उसके पाथ बनते हैं। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखें आप इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करता है तो उसका पाथ कैसा कैसा होता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं आपको, पहला पॉइंट इसका है ना, पाथ फॉलो बाय द चार्ज पार्टिकल, पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल्स। जैसे आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है,
ठीक है, हम जानते हैं जिसका मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की ओर है, कैसा है, इनवर्ड है, अंदर की ओर है, मैं लिख दूं यहां पर इनवर्ड है, ठीक है। तो आपको कोई भी चार्ज पार्टिकल, ठीक है, जिसका मैग्नेटिक क्यू ले रखा है, ठीक है, वो भी कहां भाग रहा है, अंदर की ओर भाग रहा है, ठीक है। यानी जब आपका बी और वी आपस में पैरेलल होते हैं, ठीक है, जब बी और वी आपस में पैरेलल होते हैं तो हमेशा ध्यान रखना जो फोर्स लगता है किसी भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू कैसा होता है, वो जीरो, क्योंकि थीटा कितना बनता है, जीरो डिग्री, और साइन जीरो कितना होता है, जीरो, तो नेट फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। यानी चार्ज पार्टिकल पर कोई भी फोर्स वहां पर काम नहीं करेगा। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल कोई फोर्स काम नहीं करता तो उसका पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट, कैसा पाथ होता है इसका, स्ट्रेट पाथ, ठीक है। तो पाथ रहेगा चार्ज पार्टिकल का स्ट्रेट, ठीक है। अब बात करते हम लोग दूसरे पॉइंट की, जैसे आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, हम जानते हैं आपका बी अंदर की ओर है, ठीक है, अंदर की ओर इनवर्ड, ठीक है, और कोई भी चार्ज पार्टिकल ने एंटर किया, ठीक है, इस तरीके से, तो यहां पर एंगल कितना बन गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। दैट मीन्स जब बी और वी आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, तो थीटा कितना बनता है, 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है, 1, ठीक है। तो फोर्स कितना लगता है, मैक्सिमम, ठीक है। तो पाथ कैसा होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल का, सर्कल, कैसा पाथ बनता है उसका, सर्कल। और थर्ड आपका, थर्ड इसका ये कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, सपोज करिए कुछ एंगल बना के एंटर करता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये बी मान लिया मैंने, ये वी मान लिया, कुछ एंगल बना लिया, अगर ये एंगल जीरो से बड़ा और 90 से छोटा होता है, ठीक है, तो इसका पाथ कुछ ये रहने वाला है, तो इसका पाथ कैसा बनता है, हेलिकल, ठीक है। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में अपना एंगल जीरो से तो बड़ा रखता है लेकिन 90 डिग्री से क्या करता है, छोटा रखता है, तो उसका पाथ कैसा बन जाता है बेटा, हेलिकल। तो ध्यान रखे जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, मतलब चार्ज पार्टिकल में कोई फोर्स काम नहीं करता, तो उसका पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट, विदाउट एनी रिफ्लेक्शन, वो सीधा निकल जाएगा, अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। बात करते हैं हम लोग यहां पर कि जब आपका मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल का मोशन दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो पाथ कैसा बनता है उसका, सर्कल। दूसरा, अगर आपका एंगल जीरो से तो बड़ा है और 90 से क्या है, छोटा है, तो पाथ कैसा बनेगा, हेलिकल। यहां से एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आता है, ठीक है, बराबर क्या, क्यू वी बी साइन थीटा के तीनों कंसेप्ट हैं जो आपको देखने हैं, ठीक है, जो आपको देखने हैं अच्छे से। आप जानते हैं थीटा जब जीरो डिग्री होता है तो पाथ स्ट्रेट होता है, थीटा जब 90 डिग्री होता है तो पाथ सर्कल होता है, जब थीटा जीरो से बड़ा और 90 से छोटा होता है तो पाथ कैसा होता है, हेलिकल होता है, ठीक है बेटा। तो ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए अच्छे से, सारी बातें आपको सुननी है, देखनी है, करनी है आपको, ठीक है। सो इस बात का ध्यान रखें आप, इस बात का, ठीक है बेटा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे करते हैं इसको हल्का सा। इसका हल्का सा अभी चलो, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीज़ आपको आनी चाहिए अच्छे से, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो ये सारे पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए बहुत अच्छे से। अब बात करें हम लोग आगे, तो हमारे पास अब आता है कि सर अब आप हमें बताएंगे
अब हम लोग पढ़ेंगे आगे बेटा, इसके बाद तुमने लॉरेंस फोर्स पढ़ लिया, उसके पाथ पढ़ लिए। अगर बात करें टोटल लॉरेंस फोर्स की तो क्या होता है, बराबर क्यू वी क्रॉस वी प्लस वेक्टर ई, ठीक है। टोटल लॉरेंस फोर्स वेक्टर एफ बराबर क्यू वेक्टर ई प्लस वेक्टर वी क्रॉस वी न्यूटन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ट्रेवल करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका क्या बोलते हैं बच्चे, आपका टोटल लॉरेंस फोर्स। कुछ इस तरीके से, जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, ये मैं आपको जो केस पढ़ा रहा हूँ वो वेलोसिटी फिल्टर है ना, और सेलेक्टर वेलोसिटी की बात करता हूँ, ठीक है। आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ठीक है बेटा, और यहां पर मैंने दो प्लेट लगा दी, इसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूं मैं इस तरीके से, ठीक है बेटा। अब कोई एक चार्ज पार्टिकल, ठीक है, यहां से एंटर किया, ठीक है बेटा, ठीक है, वी वेलोसिटी से, ये आपका ई था, ये आपका बी था, ठीक है, ये डिफ्लेक्शन आ रहे हैं आपके, ठीक है, ई के कारण डिफ्लेक्शन है, ये बी के कारण डिफ्लेक्शन है आपका, और ये अनडिफ्लेक्शन है, ठीक है बेटा, अनडिफ्लेक्शन है। तो वेलोसिटी फिल्टर और सेलेक्टर वेलोसिटी का केस क्या होता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करता है, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना अगर उसका पाथ अनडिफ्लेक्टेड होता है, मतलब स्ट्रेट होता है, मतलब अपने पाथ से डाइवर्ट नहीं होता है, तो उस टाइम पर जो उसकी वेलोसिटी होती है वो कहलाती है उसकी वेलोसिटी फिल्टर, ठीक है। इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल पर कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि सर जो टोटल लॉरेंस फोर्स है वो क्या है, क्यू वेक्टर ई प्लस वेक्टर वी क्रॉस बी। तो आपका एफ टोटल कितना है बच्चे इस पर, जीरो, यानी बिल्कुल भी फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो वेक्टर ई प्लस का वेक्टर वी क्रॉस बी बराबर क्या, जीरो, तो ये जीरो में चला जाएगा। तो माइनस का वेक्टर इसको पलट देंगे आप लोग तो B क्रॉस V प्लस का हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, E बराबर B V साइन थीटा। अगर आप थीटा दोनों के बीच का, क्योंकि हम जानते हैं अभी चार्ज पार्टिकल ट्रेवल करता है दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो परपेंडिकुलर होता है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग E B V, और आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपने पढ़ी होगी, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तीनों आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं, हमेशा ध्यान रखना इस बात का। ये 90 डिग्री लिखेंगे, साइन 90 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1 हो जाएगा, तो B बराबर क्या आ जाएगा, E बराबर क्या आ जाएगा, बी वी, ठीक है, या V बराबर E अपॉन B, या C बराबर E नॉट अपॉन B नॉट। ये वेलोसिटी फिल्टर का केस है, पूरा देख लें आप लोग अच्छे से, समझ लें इसको अच्छे से, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत है, लग भी रहा मुझे बच्चे ईमानदारी से पढ़ भी रहे हैं, ठीक है, उन्हें पढ़ने से फुर्सत है, उन्हें पता नहीं कौन कौन से कामों से फुर्सत है, ठीक है। तो V बराबर क्या बच्चे, E अपॉन B, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप लोग तसल्ली से, शांति से, ठीक है, V बराबर E अपॉन B, तो क्या हो गया आपके पास, E बराबर B और V, ठीक है बेटा। ये वेलोसिटी फिल्टर और सेक्टर वेलोसिटी केस था। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ की, है ना, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, सपोज करिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड है, ठीक है, और इसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, आप जानते हैं इस तरीके से, तो उसका पाथ कैसा बन जाएगा बेटा,
सर्कल बन जाएगा। ठीक है, अब सपोज करिए अंदर इनवर्ट है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहने वाली है उसकी। ठीक है, हम इस चार्ज पार्ट को यहां से भी एंटर करवा सकते हैं। ठीक है बेटा, वेलोसिटी वी, इसका सेंटर, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी बच्चे, एक फोर्स काम करेगा इस पर, सेंटीमीटर फोर्स कहलाएगा। इसकी रेडियस क्या होगी बच्चे, आर। तो चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा, सेंटीमीटर फोर्स काम करेगा, तो उस पर दो फोर्स काम करेंगे। पहला फोर्स मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा, परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, थीटा कितना होगा बच्चे आपका, साइन 90 कितना होगा 1। तो एफ एम बराबर क्या हो जाएगा, क्यू वी बी। ठीक है, बात करें हम लोग दूसरे फोर्स की, तो वो सेंटीमीटर फोर्स काम करेगा, सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है, तो इक्वल कर लेंगे इसको, क्यू वी बी बराबर, वी से भी कट गया, क्यू बी बराबर, तो आर बराबर क्या आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये रेडियस आ गई, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर बराबर पी अपॉन क्यू बी, मोमेंटम के टर्म में मीटर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट टू के एम ओवर क्यू बी, पी बराबर रूट टू के एम होता है। तो फॉर्मूले तीनों इंपॉर्टेंट है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है यहां से, कैसे भी पूछ लिया सकता है, ध्यान रखें आर बराबर एम बी ओवर क्यू बी, आर बराबर पी अपन क्यू बी, आर बराबर टू के एम ओवर क्यू बी, कुछ भी लिख सकते हम लोग यहां से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर क्यू बी ओवर एम मीटर पर, टाइम पीरियड निकालेंगे तो टाइम पीरियड का फॉर्मला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, टू पाई आर अपॉन वी, वैल्यू पुट कर लेंगे तो टू पाई एम अपॉन क्यू बी आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी पर अपॉन टाइम पीरियड होता है, क्यू बी ओवर 2 पाई एम, पिच ऑफ द हेलिकल पाथ निकालेंगे, बाई चांस अगर एंगल आपका चेंज होता है तो 2 पाई एम अपॉन क्यू इनटू वी कॉस्टा, इसका आंसर निकल के आता है ना बेटा। तो इस तरीके से आपको पूरा पढ़ना है, हर एक बच्चे को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है एकदम तसल्ली से। ठीक है, हर एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, ठीक है, तो परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो उसका पाथ कैसा होता है, सर्कल होता है। जब सर्कल पाथ होगा तो उस पर दो फोर्स काम करेंगे, पहला मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों फोर्स आपस में होंगे बिल्कुल इक्वल होंगे, ये ध्यान रखें आप इस बात का। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देख लें आप तसल्ली से इस बात को। इसका आता है फोर्स ऑन अ कंडक्टर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, देखें आप लोग। और ये बच्चे जो लेट सेट जुड़ते हैं ना, बड़ी गंदी आदत है इन बच्चों की, ठीक है, बहुत बुरी आदत है जो लेट सेट जुड़ते हैं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा पढ़ने से, ये वो फील ही नहीं कर रहे कि 15 दिन बाद एग्जाम है बिल्कुल भी, ये कोई समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सर आप हमें बताएंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन अ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे आपके पास कोई कंडक्टर है इस तरीके से, ठीक है, हम कुछ इस तरीके से एक्सेस ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने क्या ले रखा है बच्चे, ए ले रखा है, इसकी लेंथ कितनी ले रखी है बच्चे, एल ले रखी है, हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है इस तरीके से, ठीक है, माइनस प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन करंट की भी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा वो उल्टा दौड़ेगा माइनस से प्लस, ठीक है, तो इस पर कितना करंट लगेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड कितना डेवलप कर रहा है बच्चे आपका, बी मैग्नेटिक फील्ड है। तो बेसिकली बात करें हम लोग, ठीक है, तो क्या होगा बच्चे हमारे पास कि सर हम मानेंगे इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है वी, वॉल्यूम को आप क्या लिखते हैं एरिया इंटू लेंथ, तो चार्ज कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे एन ए एल, चार्ज कितना होगा एन ई ए एल, यहां तक कोई दिक्कत, तो आपने पढ़ा है F बराबर क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा,
तो q की वैल्यू क्या आपके पास n e a l, v को आप क्या लिख लेंगे v d, इनटू क्या बेटा b और इनटू क्या बेटा sin थीटा, ए बराबर n e a v d आपने पढ़ा हुआ i i l b sin थीटा, बाहर क्या लिख देंगे आप लोग न्यूटन। इसकी वेक्टर फॉर्म लिखना चाहेंगे तो वेक्टर है बराबर i l क्रॉस b न्यूटन, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है इसका, ध्यान रखें आप इस बात का, समझ लें आप लोग अच्छे से चीज को, ठीक है। कैसे समझना है आपको कि चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन हमेशा अलग डायरेक्शन में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अलग डायरेक्शन में होती है, ध्यान रखना अपोजिट डायरेक्शन में होती है, करंट आपका प्लस से माइनस जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां से दौड़ेगा माइनस से प्लस की ओर दौड़ेगा, लेंथ की एल है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बी है इसका, ध्यान रखें आप लोग इस बात का। तो जो मैंने माना कंडक्टर का वॉल्यूम कितना वी है, वॉल्यूम को एरिया इनटू लेंथ लिख सकते हैं, जितना वॉल्यूम होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्यू बराबर क्या हुआ एन ई एल बराबर क्यू वी साइन थीटा होता है, क्यू वैल्यू एन ई एल है, वी को वी डी लिख लिया, बी को बी लिखा है, साइन थीटा साइन थीटा लिखा हुआ है, एन ई ए वी डी को आप आई लिखेंगे तो आई एल भी साइन थीटा हो जाएगा आपके पास, सिंपल सा या वेक्टर है बराबर आई एल क्रॉस डी। देखिए आप तसल्ली से अच्छे से एक बार पूरा इसको ढंग से, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ फोर्स ऑन बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, ठीक है। देखिए आप लोग अच्छे से, देखिए आप लोग इसके बाद मैं बात करूं आगे, ठीक है। तो इसके बाद टॉपिक आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज हम लोग बहुत सब कुछ खत्म ही करते हैं मैग्नेट का, ठीक है, और चल रहा है अपना आराम से, ठीक है। जो टॉपिक आपका वो टॉपिक है आपका फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। जैसे आपके पास दो वायर है एक्स एक्स डैस वाई वाई डैस, I1 फ्लो रहा है इसमें करंट, I2 करंट फ्लो रहा है। खास बात यह है इसकी कि जब भी करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स लगे बाहर, हमेशा एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखें आप, ठीक है। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ वो यहां हुआ, और इसका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ वो यहां हुआ। इस वायर की लेंथ कितनी ले रखी है बच्चे हम लोगों ने, एल ले रखी है। इसकी भी लेंथ कितनी ले रखी है बच्चे हमने, एल ले रखी है। दोनों बीच की सेपरेशन डिस्टेंस कितनी ले रखी है, आर ले रखी है। तो कितना फोर्स पर यूनिट लेंथ पर लग रहा है हम वो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो पहले एक्स एक्स डैश के लिए काम करेंगे, फॉर एक्स एक्स डैश, क्योंकि वायर इन्फिनिटली लॉन्ग है और एक्स एक्स डैश में कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है बी टू, किसके कारण डेवलप हो रहा है वो आई टू कारण। तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई टू ओवर टू पाई आर, ये किसका फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन पार्ट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर v2 कस्टम टू i2 ओवर 2 पाई r। जैसे अभी आपको पढ़ाया है इसमें फोर्स कितना लगेगा, इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है i1, कितना मैग्नेटिक फील्ड है b2, और इनटू क्या बेटा l, चाहो तो साइड थीटा लगा लेना, लेकिन थीटा कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि आपस में सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, 391 हो जाएगा, हट जाएगा अपने आप ही। तो i1 b2 into l, l को नीचे लेके आ जाओ, i1 तो i1 है, b2 की वैल्यू कितनी है म्यू नॉट i2 ओवर 2 पाई r इनटू क्या बेटा i1, तो इसको आप एडजस्ट करके लिख सकते हैं I1, I2। तो ये ध्यान रखें आप इस बात का। So F upon L बराबर mu naught upon 2 pi I1 I2 over R। ऐसे ही अगर आप लोग y y dash के लिए काम करेंगे तो भी सेम फॉर्मूला आएगा। For y y dash wire इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है B1, किसके कारण I1 के कारण। तो mu naught I1 over 2 pi R, और F निकालेंगे कितना करंट है इसमें बेटा I2, मैग्नेटिक फील्ड कितना B1, और इनटू क्या बेटा L, L को नीचे लेके आ जाओ, B2 की वैल्यू पुट कर लो, mu naught I1 I2 over क्या 2 पाई आर न्यूटन पर मीटर। ये इसलिए और इंपॉर्टेंट है कि हम लोग यहां से 1 एम्पियर की डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं। क्या होता है 1 एम्पियर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द 2 इनटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, 1 इनटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन ऑफ फोर्सेस,
when the length of the wire is 1 meter and the separation distance also 1 meter. ठीक है बेटा, तो कुछ इस तरीके से है ना, इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं यहां से 1 एम्पियर की डेफिनेशन को. ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत मायने रखती हैं. ठीक है, ये सब बहुत मायने रखती हैं. तो जितने भी बच्चे क्लास को अटेंड कर रहे हैं जो लाइव हैं अभी यहाँ पे, फायदा मिलेगा कहीं ना कहीं. बाकी तो और पता ही नहीं चल रहा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कैसे जिंदगी काट रहे हैं अपनी. पढ़ने से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उन्हें मतलब नहीं है. ठीक है, लेकिन हमें तो अपना पूरा काम करना है, पूरा समझना है, पूरा पढ़ना अच्छे से. कहीं ना कहीं बहुत फायदा पहुंचाने वाली है सारी वीडियोज आपको, सारी ये लाइव वीडियोज आपको. ठीक है, और जो जितना यहाँ समझ लेगा सीख लेगा उसको उतना ही फायदा रहने वाला है. ठीक है, ये ध्यान रखें आप इस बात का. ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें. ठीक है, ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. अब बात करते हम लोग इससे आगे. ठीक है, ठीक है, चलो कम से कम जो बच्चे पढ़ रहे हैं कम से कम वो तो फायदा उठा सकते हैं इस चीज का. ठीक है, और भाई चाहिए, पढ़ने वाले वैसे भी कमी होते हैं, माँ बाप का एहसान पटाने वाले बच्चे भी कम होते हैं, है ना, उन्हें कुछ उनको खुशी देने वाले बच्चे कुछ कम होते हैं, है ना, क्योंकि वो अपना आराम से टाइम पास तो कर लेंगे. ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक डायपोल, है ना, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट. ये क्या है, पहले ये पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क एक्टिव डायपोल सिस्टम. ठीक है, तो आज खत्म करते हैं, बहुत सारी चीज़ हम लोग खत्म करते हैं. ठीक है, समझे आप लोग सारे बच्चे. ठीक है, तो समझेंगे आप लोग सारे बच्चे. इधर हम बात करते हैं मैग्नेटिक डायपोल की. एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे आपके पास दो पोल हैं, नॉर्थ और साउथ, लेकिन दोनों की जो पोल स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, बिल्कुल इक्वल होगी. इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पोल स्ट्रेंथ. दोनों की बिल्कुल सेम होगी, दोनों की बिल्कुल इक्वल होगी. ठीक है बेटा, हाँ दोनों की बिल्कुल इक्वल होगी. ठीक है बेटा, और बीच की कुछ ना कुछ सेपरेशन डिस्टेंस भी होगी, नेचर दोनों की बिल्कुल अलग है. ठीक है, तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो पोल स्ट्रेंथ जिनके मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम लेकिन नेचर बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस की दूरी पर रखी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं उसका मैग्नेटिक डायपोल. ठीक है, अगर बात करें हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की, तो क्या होता है कि सर दोनों में से कोई पोल स्ट्रेंथ ले लीजिए और बीच की डिस्टेंस ले लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट. बिल्कुल जैसे आपने इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पढ़ा हुआ वैसी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है. इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ पोल आइदर पोल स्ट्रेंथ एंड द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम. इट इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल एम, एंड कैपिटल एम इक्वल्स टू स्मॉल एम इनटू 2L. इट्स ऐसा यूनिट इज एम्पियर इनटू मीटर. ठीक है, इसके अलावा जो उसके फॉर्मूले होते हैं m इक्वल टू आई ए, यहां से जाता है एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर. ठीक है, और सिंपल सा m इक्वल टू एन आई ए, यहां n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए यूज किया जाता है, ये ध्यान रखिए. तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला m इक्वल टू एन आई ए, एम्पियर और इनटू क्या, मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक है, देखें आप लोग, फिर मैं आपको बताता हूं टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल सिस्टम. ठीक है, विच इज प्लेस इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देख लीजिए आप लोग उसको, फिर मैं आपको टॉर्क वाली कंडीशन बताता हूं पूरी आपको. ठीक है, अब इतना मैं समझ में आ रहा हूँ आपको, इतना मैं डीपली तो पढ़ा नहीं सकता आपको क्योंकि भाई इतना टाइम नहीं हमारे पास. हाँ, हर चीज़ बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ आपको, क्योंकि भाई
जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपका करीब 20 दिन में 25 दिन में खत्म होता है, उसको एक घंटे में खत्म करेंगे तो भाई उसी तरीके से खत्म होगा भाई, है ना। इतना डीपली तो जा नहीं सकते हम लोग, हाँ रिपीट करवा रहे हैं, रिवाइज करवा रहे हैं, सब कुछ पढ़ा रखा, हर एक चीज़ आपको आती है, ये ध्यान रखें आप इस बात का। तो कहीं ना कहीं माइंड में ये रहता है कि हम लोग ऑनलाइन लाइव क्लास ले रहे हैं तो सर बहुत डीपली पढ़ाएंगे, भाई ये तो बेवकूफ़ वाली बात है। हम लोग एक घंटे में जो लेक्चर 25 दिन में खत्म हो रहा है उसको हम लोग एक घंटे में खत्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो दबी रह जाती हैं, ये ध्यान रखें। लेकिन मैं हर चीज़ को आपको बता रहा हूँ, हर चीज़ को समझा रहा हूँ, तो ये भी ध्यान रखें। अब सपोज करिए किस तरीके से टॉर्क एक्टिंग और डाइपोल सिस्टम, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से, ये नॉर्थ पोल और ये क्या बेटा साउथ पोल, इस तरीके से आपने इसमें, ठीक है, इसकी लेंथ क्या बच्चे एल, ठीक है, और इसकी चौड़ाई कितनी है बेटा बी, इसमें आपने करंट फ्लो करवा दिया, ठीक है। इस तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बच्चे, नॉर्थ से साउथ, इसका फोर्स क्या लगेगा आपका, ठीक है, ध्यान रखें आप, ये अमाउंट ऑफ करंट है, फोर्स का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, आई और इस तरीके से आई और इस तरीके से ये आपका लग गया, ठीक है, इसमें आई, तो फोर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस पर फिर कौन काम करेगा बेटा, ठीक है, इस पर कौन काम करेगा बच्चे, इस पर कौन काम करेगा, इस पर टॉर्क काम करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखें आप इस बात का वापस से, ठीक है, जैसे मैं आपको समझा दूं, अलग से भी समझा दूं इसका डायग्राम, एक बार और समझ लें, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, अगर आपको नहीं समझ में आया मैं बना दिया है, एक बार और समझ लें आप लोग अच्छे से, ठीक है, इसके डायग्राम को। तो ये डायग्राम भी अपने आप में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है बेटा, करते हैं हम इसको, इसके डायग्राम को वापस से पढ़ते हैं। देखिए आप लोग, देखिए ये नॉर्थ और ये साउथ है, तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहां से कहां होगा, नॉर्थ से साउथ की ओर, सब जानते हैं इस बात को, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज होने वाला है नहीं, ठीक है, इसमें करंट है आपका आई आई, ये आई और ये भी आई, इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई, इसमें फोर्स यहाँ इस तरीके से काम करेगा, जेड एक्सिस में इस तरीके से यहाँ काम करेगा, क्योंकि इसकी लंबाई है, देखो ये एक्स ये जेड और ये वाली क्या होगी आपकी वाई, जो इस तरीके से ले हम लोग, ठीक है, इस तरीके से ले लीजिए आप लोग, एक्स वाई जेड इस तरीके से, ठीक है बेटा, ध्यान रखें आप इस बात का। तो फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कौन काम करेगा इस पर, टॉर्क, कौन काम करेगा बेटा टॉर्क, ठीक है। जब टॉर्क काम करेगा तो टॉर्क के लिए हम लोग पढ़ेंगे, तो फिर कैसे कर पाएंगे हम लोग, तो सिंपल सा फंडा देखिए आप लोग, ये वाली आर्म ले लीजिए, ये वाली यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इस तरीके से हम लोग परपेंडिकुलर डाल देंगे, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा आपके पास एल साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा सिंपल सा स्मॉल एम ले लीजिए माइनस का, किसका ले लीजिए आप लोग प्लस का, माइनस प्लस मतलब अपोजिट नेचर को शो करेगा। तो यहाँ पर जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए बराबर क्या होता है आई एल बी और इंटू क्या बेटा बी साइन थीटा, या जो आपने एल ले रखा है एल साइन थीटा, हम इसको और भी क्योंकि एल हमने पहले ऑलरेडी ले रखा था, यहाँ पे हम लोग इसको ए ले लेते हैं, तो यहाँ पर ए साइन थीटा आ जाएगा, तो ए साइन थीटा, तो टाउ बराबर आई, और देखो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है एरिया, तो आई ए बी साइन थीटा, तो टाउ बराबर सिंपल वेक्टर फॉर्म लेंगे, ठीक है, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, अभी वेक्टर फॉर्मूला लेकर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, टाउ बराबर आई ए बी साइन थीटा, और नंबर ऑफ टर्न्स के लिए टाउ बराबर हो जाएगा एन आई ए बी साइन थीटा, हम जानते हैं सर आपने पढ़ाया है एम बराबर एन आई ए होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा एम बी साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म लेंगे अब इसकी, तो क्या हो जाएगा एम क्रॉस बी न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है, टाउ बराबर एम क्रॉस बी, तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका टाउ बराबर एम क्रॉस बी, ठीक है। तो ये ध्यान रखें आप इस बात का, टाउ बराबर एम क्रॉस बी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, सारी चीज़ पल्ले पड़ी होनी चाहिए आपको, ठीक है। मैं पूछता हूँ कितने बच्चों ने ऑनलाइन क्लास ली, तो सारे बच्चे हाथ खड़ा कर देते हैं, हमने लिया, अच्छा आज ही मैंने मारा बच्चों को, लेकिन कोई फर्क नहीं है किसी पे कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, जबकि यहाँ पर कम से कम 100 बच्चे जुड़े होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर वही है जो रेगुलर बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लड़कियाँ भी बदतमीज़ हो गई हैं, वो भी नहीं पढ़ती भाई, ठीक है। अब जितने जितने टाइम नज़दीक आते हैं उनकी बुद्धि उतनी सड़ती जा रही, ख़राब होती जा रही है बिल्कुल, है ना। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर की। गैल्वेनोमीटर
इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा। देखिए गैल्वेनोमीटर होता क्या एक्चुअल बता दूं मैं आपको। देखो गैल्वेनोमीटर एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होती है जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी अगर सर्किट में वायर में फ्लो करता है तो उसके भी डिफ्लेक्शन को मेजर करके बता देती है कि हाँ सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में आ जाएगा। यानी बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होती है। सो गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस, ठीक है, विच इज यूज टू डिटरमाइन स्मॉल करंट फ्लो इन द सर्किट। जो वो छोटा सा करंट जो सर्किट में फ्लो होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज की जाती है। ये ध्यान रखें आप इस बात का, गैल्वेनोमीटर, ठीक है बेटा। सो अब गैल्वेनोमीटर के बहुत सारे अलग भी नाम होते हैं, जैसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर, अमेरिकन टाइप गैल्वेनोमीटर, सब इसी के नाम होते हैं, ठीक है। इसका प्रिंसिपल तो कुछ बेसिक बातें मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है, जो आपको याद होनी चाहिए कि सर इट्स अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस, इट्स अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस, है ना, और इट कैन मेजर स्मॉल करंट फ्लो इन द सर्किट। बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल कहता है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, तभी किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर क्या काम करता है, टॉर्क काम करता है, ठीक है। सो व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड तो उस पर कौन काम करता है बेटा, टॉर्क काम करता है, उस पर कौन काम करता है, टॉर्क, ठीक है। सो इट्स अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस एंड इट इज यूज टू डिटरमाइन, ठीक है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट करंट फ्लो इन द सर्किट एंड इसका प्रिंसिपल व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क। तो इस पर क्या लगता है बच्चे, टॉर्क लगता है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं हम लोग बेटा इसके डायग्राम की, ठीक है, चलिए डायग्राम की बात करते हैं, इसके डायग्राम की। तो मैं इसको रफ करता हूँ और डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, इसका गैल्वेनोमीटर का डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। देखिए आप लोग, ठीक है, हल्का सा ऊपर बनाना पड़ेगा मुझे इसको, ठीक है। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखें आप इस बात का, अब देखें आप लोग ये पूरा जो डायग्राम बनाया मैंने आपके सामने वो एक्चुअल में, ठीक है, ठीक है बेटा। तो देखिए आप लोग डायग्राम को इसको अच्छे से एक बार,
ठीक है, कैसे चल रहा है आपका डायग्राम पूरा ही? तो यहाँ पर ये पॉइंटर है, स्केल है, पाइवोट कॉयल है, सॉफ्ट आयरन कोर है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, दो परमानेंट मैग्नेट है। होता क्या है कि हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन में एक सॉफ्ट आयरन कोर का यूज़ करते हैं। अब सॉफ्ट आयरन कोर का यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भैया सॉफ्ट आयरन कोर बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो तो बहुत जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाती है, इसलिए हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर का यूज़ करते हैं, इसलिए बहुत सेंसिटिव डिवाइस बन जाती है। दूसरा पाइवोट कॉयल फॉस ब्रॉन्ज वायर का यूज़ करते हैं हम लोग। इसका यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि सर जब कोई भी कॉयल जब कोई पॉइंटर डिफ्लेक्शन देता है तो वापस उसको अपनी इनिशियल पॉइंट पर भी तो लाया जाता है। मतलब पाइवोट कॉयल जो होता है जो फॉस ब्रॉन्ज वायर का बना होता है, जो बेसिकली पॉइंटर के डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कंसेप्ट ऑफ रेडियल मैग्नेटिक आइडेंटिफाई करते हैं, हमने कितना हैवी स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, क्या वो भाई मैग्नेटिक फील्ड की रेंज में, क्या जो पॉइंटर मैग्नेटिक फील्ड रेंज में आ रहा है, क्या उससे कोई डिफ्लेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसके कंसेप्ट को, उसके रेंज को, उसके स्पेस को जो आइडेंटिफाई करते हैं उसको बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। दो परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं नॉर्थ और साउथ का इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ एक सॉफ्ट आयरन को बताई दिया, रेडियल मैग्नेट बताई दिया, परमानेंट मैग्नेट बताई दिया, मैंने आपको पॉइंटर बताई दिया, स्केल बताई दिया, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद कुछ मुख्य बातें इसकी, इसका वर्किंग थ्योरी। जब देखो करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर दो टॉर्क लगते हैं, पहला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और दूसरा रीस्टोरिंग टॉर्क। मैं इसके कंडीशन के बारे में बता दूं आपको अच्छे से, ठीक है। दो टॉर्क लगते हैं, कौन कौन से होते हैं बेटा आपके? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क। तो इस पर दो टॉर्क लगते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क फ्रॉम द टावर आवर एन आई वी कॉस अल्फा, दूसरा रिस्टोरिंग टॉर्क टावर आवर के अल्फा। दैट मीन्स कि भाई जब भी कोई आपकी कॉइल डिफ्लेक्ट करेगी तो वापस से लौट के भी आएगी, रिस्टोरिंग में भी आएगी लौट के, है ना। जब वो रिस्टोरिंग में आएगी तो ध्यान रखें आप इस बात का, जब वो रिस्टोर में आएगी दोनों टॉर्क आपस में क्या होंगे? बिल्कुल इक्वल होंगे। दैट मीन्स कि कोई भी डिफ्लेक्शन होता है वो यहां पर वापस आया तो वो लौट के यहां पर ही तो आएगा, तो ये तो आपका डिफ्लेक्शन हुआ और आपका रिस्टोरिंग हुआ, दोनों टॉर्क आपस में क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। दैट मीन्स कि जो टाओ डिफ्लेक्टिंग है वो किसके बराबर होगा? टाओ रिस्टोरिंग के। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क फॉर्मूला क्या है? एन आई ए बी कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? के अल्फा। I बराबर हो जाएगा के अपॉन एन ए बी और अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। अब के अपॉन एन ए बी तो पूरा कॉन्स्टेंट ही है तो उसको आप जी के बराबर कह देते हैं, और अल्फा अपॉन कॉस अल्फा को हम अल्फा मान लेते हैं। इसके दो रीजन है, पहला एंगल भाई क्योंकि बहुत सेंसिटिव डिवाइस है, बहुत कम डिफ्लेक्शन देता है तो जो रेशियो होगा वो बिल्कुल सिमिलर अल्फा के, क्योंकि एंगल बहुत छोटा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अल्फा अपॉन कॉस अल्फा के रेशियो को हम लोग क्या मान लेंगे? अल्फा मान लेंगे, डिफ्लेक्टिंग एंगल मान लेंगे, क्योंकि बहुत जो रेशियो बहुत नेग्लिजिबल आएगा तो अल्फा के इक्वल आएगा, ध्यान रखना इस बात का। कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। अल्फा अपॉन कॉस अल्फा क्या बच्चे? अल्फा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। या फिर कॉस अल्फा को हम लोग कितना कर सकते हैं? जीरो डिग्री। तो कॉस जीरो कितना होता है? वन होता है, तो यहाँ से ऐसे भी हट सकता है वो, ठीक है। तो अल्फा ही आएगा आपका, दोनों वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे तो आई कस्ट कितना आ जाएगा? जी अल्फा। यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल्फा। दैट मीन्स करंट जितना ज्यादा फ्लो करवा देंगे रिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा मिलेगा आपको। सो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल्फा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करें तो हमें मिलता है कि सर ये मतलब इसमें गैल्वेनोमीटर सेंसिटिविटी क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी क्या होती है ना, और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है। देखिए गैल्वेनोमीटर सेंसिटिविटी क्या होती है, बहुत कम करंट या वोल्टेज प्रोवाइड करवाते तब भी क्या होता है डिफ्लेक्शन मिलना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसकी गैल्वेनोमीटर सेंसिटिविटी बोलते हैं। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, जब केवल यूनिट एम्पीयर करंट फ्लो करवाए तब भी रिफ्लेक्शन मिलना स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग करंट सेंसिटिविटी। फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सा होता है आपके पास एन ए बी अपॉन के, यानी आई एस बराबर वन अपॉन जी होता है, ध्यान रखना आई एस बराबर होता है वन अपॉन जी, ठीक है। आई एस बराबर क्या होता है? वन अपॉन जी, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। या आई एस बराबर होता है वन अपॉन जी, या अल्फा अल्फा पर आई बोल सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है, अल्फा पर आई बोल सकते हैं, ठीक है, वन अपॉन जी, या एन ए बी अपॉन के होता है। इसके बाद वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? कम से कम वोल्टेज देने पर भी डिफ्लेक्शन वन अपॉन जी आर, या एन ए बी अपॉन क्या बेटा? के आर। तो ये फॉर्मूले भी आपको याद होनी चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग हमारा केवल मेन पर्पस है आपको रिवाइज करवाना, हमारा मेन पॉइंट आपको ये पूरा रिवाइज करवाना ताकि आपको पूरा तैयार हो जाए एक बार में, ठीक है, हमारा मेन उद्देश्य है।
तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं लोग, हाउ कैन वी कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड व्हाई वी कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट ही क्यों करते हैं गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, हम जानते हैं गैल्वेनोमीटर केवल स्मॉल करंट को डिटेक्ट कर पाता है, लार्ज करंट को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक हाई करंट को मेजर करने के लिए एमीटर का यूज करते हैं। एमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो करंट को मेजर करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। अब कन्वर्ट कैसे करते हैं वो सुन लीजिए आप लोग अच्छे से इसको पूरा। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे कैसे करेंगे देखें आप लोग। देखेंगे आप लोग, देखिए ये आपके पास मैंने क्या लगा दिया है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और इसके ऊपर एक लो रेजिस्टेंस जिसको आप शंट रेजिस्टेंस का नाम देते हैं वो लगा दिया है। इसमें टोटल करंट कितना गया आई, इसमें निकाल दिया मैंने आई जी, तो ऊपर कितना जाएगा आई माइनस आई जी। ये शंट रेजिस्टेंस है, यहां पर भी कितना करंट आया आई माइनस का आई जी, यहां पर भी कितना आया आई माइनस का, और टोटल करंट कितना चला गया आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है। भाई पैरेलल में लगा हुआ तो पैरेलल में क्या सेम रहता है पोटेंशियल, दैट मीन जो शंट का रेजिस्टेंस होगा पोटेंशियल होगा किसके बराबर होगा गैल्वेनोमीटर के पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है आई और इंटू क्या आर, और आई और इंटू क्या आर, ऐसे एस निकालेंगे तो फॉर्मूला आएगा जी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। यहां पर जी क्या बेटा आपका गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, आई जी क्या है वो करंट जो गैल्वेनोमीटर से पास आउट हुआ है, एस क्या है शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस क्या होता है सर, स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस होता है जो सर्किट में गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगाया जाता है। हमेशा ध्यान रखना जो गैल्वेनोमीटर को डिफ्लेक्ट होने से मतलब डेस्ट्रॉय होने से बचाता है, भाई जितना करंट इसको चाहिए इतना करंट ही ले लेता है, बाकी करंट किससे निकल जाता है आपका किससे पास आउट हो जाता है आपका शंट रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट आपको अच्छे समझ में आने चाहिए, ठीक है। मैंने देखा कि पूरी क्लास में लगभग केवल 24-25 बच्चे हैं जो कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, ठीक है, बाकी औरों पे तो असर ही नहीं पड़ा। कोई बात नहीं, चलिए हम तो अपना काम करेंगे कंटिन्यू करेंगे करते रहेंगे, ठीक है, पर वो भी लोग अपना काम करेंगे कंटिन्यू करेंगे करते रहेंगे, पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस चल रहा है उनको आंखों में इतनी शर्म नहीं कि 15-20 दिन बच्चों एग्जाम में पढ़ लें हम लोग अच्छे से एक बार, लेकिन नहीं, ठीक है। देखिए आप लोग एस बराबर जी आई अपन आई माना सकते, तो हमने कन्वर्ट कर दिया किसको किसमें, इसको कर दिया हमने किसमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर। बात करते हैं गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में, करते हम लोग गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में, लगभग खत्म करते हम लोग पूरा कोर्स अपना। जब आप वोल्टमीटर, जब आप हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ किस में लगा देते हैं सीरीज में, ठीक है, तो आईजी ले लेते हैं, सीधे सीधे करंट जा रहा है आपका पास आउट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो हम जानते हैं कुछ इस तरीके से ये सर्किट किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका वोल्टमीटर में। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, क्या होता है जो वोल्टेज होंगे आपके, ठीक है, हम जानते हैं ये दोनों किस में लगे हुए बेटा सीरीज में, तो टोटल आर कितना हो जाएगा, आर नेट कितना हो जाएगा आर प्लस का जी। ओम्स लॉ क्या कहता है, फ्रॉम द ओम्स लॉ क्या होता है V इक्वल्स टू आई आर नेट आर टोटल, तो आई तो आई है आपका आई जी ले सकते हैं इसको आप लोग, आई जी मान सकते हैं, आई जी माना इसको आर प्लस जी, तो आई जी बराबर क्या होगा V ओवर आर प्लस जी। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप लोग जो हमने कन्वर्ट कर रखा है किसमें, ठीक है। तो एक कन्वर्जन था आपका जो आपको आना चाहिए अच्छे से, जिसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, ये तो चैप्टर आपका इतना ही है ना, ये चैप्टर आपका इतना ही है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नेटिज्म और मैटर की, ठीक है, मैग्नेटिज्म और मैटर की बात करते हैं, तो देखते हम लोग मैग्नेटिज्म और मैटर को भी, ठीक है।
चलिए, तो मैग्नेटिज्म और मैटर में क्या क्या पढ़ना है आपको, तो देखिए कुछ हेडिंग्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपके लिख भी दूँ यहाँ पे कुछ हेडिंग्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, दूसरी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तीसरी मैग्नेटिक सस्टेप्टेबिलिटी, चौथी मैग्नेटिक परमेबिलिटी, पांचवी रिलेशन बिटवीन रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक सुसेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक सुसेप्टिबिलिटी, ठीक है। हम इनकी बात करें, पांच इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको आनी चाहिए सब बच्चों को। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक सुसेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, और इस तरीके से ये ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है सर, एच बराबर होता है बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। दूसरा इंटेंसिटी ऑफ आई बराबर मैग्नेटिक मोमेंट एक्टिंग पर यूनिट वॉल्यूम, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, लेकिन ये इसकी यूनिट क्यों हुई है ना, एम्पियर पर मीटर लिखिए ना केवल आप, एम्पियर पर मीटर। मैग्नेट सबिलिटी क्या होता है, कप्पा एम इक्वल टू आई ओवर एच, इसकी यूनिट क्या होती है, कोई भी यूनिट इसकी नहीं होती है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है, म्यू नॉट बराबर बी नॉट ओवर एच, इसकी यूनिट होती है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसका रिलेशन क्या होता है, म्यू आर इक्वल टू वन प्लस कप्पा एम, है ना। तो पांच हेडिंग्स जो आपके सामने लिखी हुई है फॉर्मूले वाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है, कहीं ना कहीं अपने आप में वैल्यूएबल हैं, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, ठीक है, जो आपको आनी चाहिए और अच्छे से आनी चाहिए और किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये पांच पॉइंट पढ़ने हैं, इसके बाद आपको पढ़ना है कि सर ये एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिक्लिनेशन आपका यही वाला, ठीक है, टॉपिक, और रिजल्टेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसके बाद जो पैरा फेरोड आया जो है वो तो मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, है ना, मैं ही समझाऊंगा आपको। तो पहले मैं आपको इतना समझा दूं, इसके बाद क्योंकि मैं अब कल ही पढ़ाऊंगा आपको ये सारे टॉपिक्स, ठीक है, और हम लोग धीमे धीमे करके अपना कोर्स पूरा अच्छे से ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। बीच में अभी मैं शॉर्ट्स देता रहूँगा आपको बना बना कर, जो बेसिकली कुछ कंसेप्ट आपको बहुत क्लियर करेंगे। आज मैं आपको कुछ और शॉर्ट्स दूंगा, मैं हर रोज़ दो तीन शॉर्ट्स अपलोड किया करूँगा जो कंसेप्ट वाइज होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, उनको भी देखें आप लोग, जो एक एक नंबर के पॉइंट्स होते हैं बोर्ड में आते हैं वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखें आप लोग। तो हम लोग ने ये पढ़ा मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक सुसेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है, और रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक सुसेप्टिबिलिटी, है ना। ये पॉइंट कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको सारे बच्चों को आनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको, आपने सबने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब नोट कर लिए होंगे, है ना, लिख लिए होंगे आप लोगों ने, है ना, ये भी आपने लिख लिए होंगे। तो मैं बस आपसे इतना ही बोलूँगा, थोड़ा पढ़ते रहें आप लोग मन लगाकर अच्छे से, ठीक है, मार्क्स अच्छे आने चाहिए आपके, क्योंकि पढ़ना भी हर किसी के बस में नहीं होता है, ठीक है, पढ़ना हर किसी के बस में नहीं होता है भाई, अभी 15-20 दिन रह गए, इसी में तो मेहनत करनी है। लेकिन कुछ बच्चों की शक्लें मेरी आंखों में आती हैं, नज़रें में आती हैं कि भाई ये किसी लायक नहीं है,
है ना, कितना भी समझा लीजिए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा बिल्कुल भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है, सब कुछ पढ़ना है। तो आज आपका होमवर्क भी यही है कि पूरा मैग्नेट एक बार रिवाइज़ कर लें अच्छे ढंग से, ठीक है। और अब तो हर चीज़ की वीडियो आपके पास है, कहीं पर भी उलझ रहे हैं, फंस रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप वापस से देख लीजिए इस वीडियो को, ठीक है, समझ लीजिए आप इसको अच्छे से। मैं बस आपसे इतना ही बोलूँगा, बाकी आप लोग पढ़ाई करें मन लगा कर, ठीक है। और कोई भी डाउट्स होते हैं, हम लोग इसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स की क्लास रखेंगे और क्लास कंटिन्यू चलती रहेंगी। मुझे पता है एग्जाम टाइम में बच्चे कम लेंगे, लेकिन मैं तो कंटिन्यू पढ़ाऊँगा आपको, बोला है मैंने आपको, ठीक है। सो ये ध्यान रखें आप इस बात का, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और न्यूमेरिकल्स लगाएं, सैंपल पेपर करें, सैंपल पेपर भी मैं आपको करवा रहा हूँ इसमें मैं, और क्लासेस में भी स्टार्ट करवाऊँगा सैंपल पेपर। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो आपको आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए आपको, पढ़ाई करनी है आप सबको और मार्क्स अच्छे लेके आने, बस मैं आपसे इतना ही बोलूँगा, ठीक है। शॉर्ट्स आते रहेंगे मेरे, आप उसको देखते रहिए अच्छे से, और कंसेप्ट जो आपके बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर करेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है, वो सब क्लियर करिए। बाकी हम लोग क्लासेस अपनी कल अटेंड करेंगे, पूरी कल करेंगे और पूरा मैग्नेट अपना कल ही ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। हाँ, और ये बच्चे मैं देख रहा हूँ, वास्तव में बहुत कम बच्चे क्लास ले रहे हैं, बताइए बताइए, 150-200 बच्चों में से केवल 20 बच्चे क्लास ले रहे हैं, 20-22-25 बच्चे क्लास ले रहे हैं, जबकि हाथ खड़ा करवाते हैं तो सब, यहाँ पे लड़कियाँ भी हाथ खड़ा करती हैं, है ना, जबकि सारी अगर लड़कियाँ भी ऑनलाइन क्लास लें, लाइव क्लास लें तो बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन नहीं, उन्हें भी क्लास लेना मंजूर नहीं है बिल्कुल भी, जबकि लाइव क्लास ली जाती है ना, लेनी चाहिए आप सबको, ठीक है। लेकिन वही है कि बच्चा नहीं ले रहा, नहीं पढ़ रहा, वो नहीं ले रहा, पता नहीं क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ना। लाइव क्लास की बात ही अलग होती है ना, बाकी आप स्किप करके देखते रहिए वीडियो उनकी, उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कभी इफेक्ट नहीं पड़ता, है ना। इसलिए आप लाइव क्लास अटेंड करें सारे बच्चे, मैं आपसे बस यही बोलूँगा, बाकी आपकी इच्छा, आप कुछ भी करें, आप समझदार हैं, बहुत समझदार हैं आप लोग, है ना। तो बाकी क्लास हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चलिए ठीक है, स्टार्ट ख़त्म करते हैं हम लोग क्लास को, ठीक है, चलिए ठीक है, जाएं आप लोग।